डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, अब आपसे ही जान लेते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव का रण तो सच करके तैयार हो चुका है, ऐसे में हुंकार भी भरी जा चुकी है तमाम पार्टियों की तरफ से। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ इस बार भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, वहीं कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तख्ता पलट होगा। आपके तरफ से क्या कहना है, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि ये प्रदेश और देश की सरकार सिर्फ जुमले की सरकार है, आंकड़ों की सरकार है। अभी दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आके घोषणा की कि 90% दावों पर यह सरकार खरी उतरी है जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहता हूं कि यह संकल्प पत्र की कॉपी हमारे पास है और मैं परसों से इसका लगातार अध्ययन कर रहा हूं कि पूरे के पूरे जो संकल्प पत्र के दावे थे वो सभी अधूरे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ कहने के लिए, जुमले के लिए, नारा उछाल देने के लिए कि हम अपने दावे पूरे कर चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। किसानों के लिए धान खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क्या क्या दावे हुए थे, मंडियां स्थापित होंगी, आलू प्याज लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, हर खेत तक किसान के यहाँ बिजली पहुंचेगी सस्ती दरों पर, आज क्या हाल है। इस संकल्प पत्र का एक बार अध्ययन कर लीजिए और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को दिखाना चाहता हूं। केबी जी, हर चुनाव में तो संकल्प पत्र तो आप भी निकालते हैं, क्या आपके दावे आज तक 100% पूरे हुए हैं? 100% की बात नहीं है सुरभि जी, निश्चित तौर पर व्यवस्था में कुछ खमियां छूटती हैं, लेकिन संकल्प पत्र को ये दावा कर देना कि 90% पूरा हो चुका है और बचे हुए 2-3 महीने में 10% जो चीजें बची वो भी हम पूरी कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई है कि ये जुमले की सरकार है, सिर्फ नारे उछालने का काम है।